भोपाल में स्थित महादेव पानी से हाल ही में एक बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि रविवार के दिन देर शाम महादेव पानी झरने में घूमने के लिए हजारों पर्यटक पहुंचे थे, लेकिन अचानक पहाड़ों का पानी आ गया। इस वजह से कई पर्यटक पानी के तेज बहाव में फंस गए। वही 3 नाबालिग बच्चे पानी के तेज बहाव में बहा गए, जिसमें से 2 को बचा लिया गया, लेकिन 1 15 वर्ष बालक लापता है। इतना ही नहीं, रेस्क्यू ऑपरेशन टीम द्वारा करीब 24 लोगों का रेस्क्यू किया गया। इस हादसे की सूचना मिलते ही रायसेन से पुलिस व प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला, लेकिन ज्यादा अंधेरे होने की वजह से उसे भी रोक लगा दिया गया। इधर इस हादसे के बाद रायसेन कलेक्टर अरविंद दुबे ने लोगों के महादेव पानी पहुंचने पर रोक लगा दी है। गौरतलब है कि पानी का बहाव तेज होने की वजह से सैलानियों में अफरा तफरी मच गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ एमपी।